दोस्तों आज हम बात करेंगे हीरो की स्प्लेंडर प्लस BS6 2022 के एसेंट ब्लैक कलर के बारे में। गौर कीजिएगा, इसमें आपको अपग्रेडेबल ग्राफिक्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग मन चाहे पसंद का ग्राफिक्स इसमें इंस्टॉल करवा सकते हैं, जिसमें कंपनी ने ऑलरेडी 3 ग्राफिक्स का ऑप्शन ऑलरेडी आपको दे रखा है। तो इससे पहले हमने इसके पहले ग्राफिक्स का रिव्यू किया, जिसमें आपको येलो कलर की स्टिकरिंग देखने को मिलती थी, आप सभी का बहुत प्यार मिला उसमें। तो आज हमारे पास इसका दूसरा ग्राफिक्स का मॉडल मौजूद है, जिसके बारे में आज हम रिव्यू करेंगे। A to Z हम आपको सारी चीजें बताएंगे, क्या नए स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, क्या नए बदलाव आपको देखने को मिलेंगे और आपको ऑन रोड प्राइस इसकी अब कितने रुपए में देखने को मिलेगी। तो सारी चीजें जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमोद कुमार और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल राइडर के भी। वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो का अपडेट लगातार मिलती रहे। तो स्क्रीन पर आपके सामने है न्यू हीरो स्प्लेंडर प्लस BS6 2022 वेरिएंट। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले इसके प्राइस की, तो गौर से सुनिएगा। इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको 69,600 रुपीज, 69,600 रुपए इसकी एक्स शोरूम प्राइस आपको देखने को मिलेगी इलाहाबाद प्रयागराज की। जो इसकी कंप्लीट ऑन रोड प्राइस बनेगी वो आपको 82,000 टू 85,000 रुपीज, 82,000 से 85,000 रुपए के बीच में देखने को मिलेगी कंप्लीट ऑन रोड प्राइस इलाहाबाद प्रयागराज की। ठीक है, तो ये थी इसके प्राइस की बात। चलिए बात करते हैं हम इसके स्पेसिफिकेशन की, तो फ्रंट से हम शुरू करते हैं। तो फ्रंट में यहाँ पे आपको हेडलैम्प के साइड में आपको इसके स्टिकर देखने को मिलते हैं, जिसे आप देख पा रहे होंगे, रेड पिंक और व्हाइट कलर के स्टिकर देखने को मिलते हैं, काफी खूबसूरत लगते हैं, काफी लुक को इनहेंस करते हैं। फ्रंट में आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी इसके वाइजर पे, जो कि आपको स्टिकरिंग में देखने को मिलेगी। वहीं हम इसके इंडिकेटर की बात करें तो रेगुलर डिजाइन का बल्ब वाला इंडिकेटर इसमें आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। मेन हेडलैम्प में अभी भी आपको 35x35 वाट का हैलोजन बल्ब देखने को मिलता है, तो यहाँ पे LED जैसी सुविधा अभी भी देखने को नहीं मिलती है। हैलोजन बल्ब देखने को मिलता है तो विजिबिलिटी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। फ्रंट में सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको हमेशा की तरह टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक अब्सॉर्बर देखने को मिलता है, तो सस्पेंशन क्वालिटी काफी बेहतर मिलेगी। वहीं फेंडर पे आपको साइड रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, जो कि नाइट के टाइम में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। फ्रंट ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, साथ ही साथ IBS ब्रेकिंग सिस्टम का सपोर्ट मिलता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कम होती है और ब्रेकिंग आपकी काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है। फ्रंट का जो टायर है वो आपको 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा, तो गौर कीजिएगा टायर आपको इसमें ट्यूबलेस देखने को मिलते हैं और जो इसके अलॉय व्हील है वो आपको ब्लैक कलर के देखने को मिलेंगे। तो टायर आपको ट्यूबलेस मिलेंगे तो राइडिंग आपको काफी बेहतर मिलेगी। स्विचिंग क्वालिटी की बात करें तो लेफ्ट हैंडल बार पे आपको लो बीम हाई बीम पासिंग स्विच के साथ साइड इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है, तो स्विचिंग क्वालिटी को लेकर नो डाउट इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। राइट हैंडल बार पे आपको I3S स्मार्ट स्विच के साथ पावर सेल्फ स्टार्ट स्विच देखने को मिल जाता है, तो स्विचिंग क्वालिटी आपको काफी बेहतर देखने को मिलेगी। और यह है इसका मेन मीटर कंसोल, जो कि आपको फुल एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलता है। डिजिटल जैसी कोई भी सुविधा इसमें आपको अभी भी देखने को नहीं मिलती है, ओडोमीटर, टैकोमीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, ये सारी चीजें आपको एनालॉग ही देखने को मिलती है। साथ ही साथ साइड स्टैंड इंडिकेटर, I3S इंडिकेटर और इंजन मॉल फंक्शन लाइट इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है, तो मीटर कंसोल आपको अभी भी फुल एनालॉग देखने को मिलता है। मीटर कंसोल के लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे USB चार्जिंग पॉट देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अपने USB केबल को लगा के अपने फोन को चार्ज कर पाएंगे, तो ये काफी सही चीज है। तो मीटर कंसोल में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें आपको 9.6 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगा, तो 9.6 लीटर तक आप इसमें फ्यूल फिलअप करवा पाएंगे। और टैंक के साइड में आपको यहाँ पे हीरो की ब्रांडिंग के साथ में न्यू ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसके ग्राफिक्स को चेंज करवा के इसमें इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो 3 ग्राफिक्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, ये दूसरा ग्राफिक है। तीसरे ग्राफिक्स की वीडियो बहुत ही जल्द आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। साइड पैनल पे आपको स्प्लेंडर प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिलती है 3D एम्बेडेड क्रोम फिनिश के साथ में, और प्रोग्राम्ड FI सिस्टम इसमें आपको देखने को मिलता है, तो फ्यूल इफिशियंसी आपकी पहले से और भी ज्यादा बेहतर हो जाती है, जिससे कि माइलेज आपको काफी ज्यादा बेहतर मिलता है। और माइलेज की बात हो रही है तो मैं आपको इसका माइलेज बता दूं, तो अगर आप इस बाइक से एक अच्छी राइड करते हैं तो आप 60-65 तक का माइलेज आसानी से इस बाइक से ले पाएंगे। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 97.2 cc का 4-stroke सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 इंजन देखने को मिलता है, और जो मैक्स पावर मिलेगी वो आपको 7.91 bhp की मिलेगी 8000 rpm पे, और जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वो आपको 8.05 न्यूटन मीटर का मिलेगा 6000 rpm पे, तो पावर और टॉर्क भी आपको काफी बेहतर मिलता है। ट्रांसमिशन में आपको 4 गियर देखने को मिल जाते हैं, यानी 4 गियर में आपको ये बाइक देखने को मिलेगी। साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड सेंसर भी देखने को मिल जाता है, तो आपका साइड स्टैंड अगर लगा रहेगा तो आपके मीटर कंसोल पे इंडिकेशन मिलती रहेगी। इंजन कट ऑफ एट फॉल का सिस्टम देखने को मिल जाता है, यानी इन केस अगर आपकी बाइक कभी गिर जाती है तो आपकी बाइक
ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो ये भी काफी बेहतर अपडेट हीरो कंपनी ने इसमें कर दिया है। सिटिंग कंफर्ट की बात करें तो इसमें आपको फ्लैट सीट देखने को मिलती है, तो काफी कंफर्टेबल सीट देखने को मिलती है और स्प्लेंडर के सभी मॉडल में आपको सिटिंग कंफर्ट को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आगे आपको कैरियर भी देखने को मिल जाता है स्टेनलेस स्टील में, तो इस पे आप अपने किसी भी लगेज को रख के कैरी कर पाएंगे, तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। साड़ी गार्ड इसमें आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है, तो बाहर से आपको लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये काफी सही चीज है। वहीं रियर प्रोफाइल में रियर टेल लैंप की बात करें तो टेल लैंप के ऊपर आपको हीरो की ब्रांडिंग मिलती है स्टिकरिंग में, और जो इसका टेल लैंप है वो आपको रेगुलर डिजाइन का आपको बल्ब वाला टेल लैंप देखने को मिलेगा, और जो इसके इंडिकेटर है वो भी आपको रेगुलर डिजाइन के बल्ब वाले इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। रियर प्रोफाइल में रियर ब्रेक की बात की जाए तो रियर में भी आपको 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, तो रियर और फ्रंट दोनों में ही आपको 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, और रियर का जो सस्पेंशन है वो आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक अब्सॉर्बर देखने को मिलता है। तो सस्पेंशन क्वालिटी को लेकर नो डाउट कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। वहीं जो रियर का टायर है वो भी आपको 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। अलॉय व्हील आपको ब्लैक कलर के देखने को मिलते हैं, काफी खूबसूरत लगता है, और जो इसका एग्जॉस्ट है वो भी आपको ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा, जो कि इसके लुक को और भी ज्यादा बेहतर बनाता है। तो लगभग सारी चीजें हो गई, बात कर लेते हैं डायमेंशन की। तो इसकी जो लंबाई हो आपको 1965mm, चौड़ाई 720mm, हाइट 1045mm, व्हील बेस 1235mm, सीट हाइट 799mm, ग्राउंड क्लीयरेंस 165mm और कर्व वेट 102kg का देखने को मिलता है। तो 112kg की आपको ये पूरी बाइक देखने को मिलती है, और यहाँ ब्रेक पैडल पे आपको सपोर्टर देखने को मिल जाता है, जो कि आपके पैर को स्लिप होने से काफी हद तक रोकता है। तो कैसी लगी ये बाइक आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।